हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग क्वेश्चन नंबर टू करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर टू है, राइट डाउन द डेसिमल एक्सपांशन ऑफ दोज नेचुरल नंबर इन क्वेश्चन वन अबव व्हिच हैव टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपांशन। तो हमको इस क्वेश्चन में बताना है कि क्वेश्चन नंबर वन के जितने भी क्वेश्चन हम प्रीवियस वीडियोज में किए थे, अगर वो टर्मिनेट होते हैं, जितने भी नंबर से टर्मिनेट होते हैं, तो उसके डेसिमल एक्सपांशन क्या होंगे। तो मैंने पहले से ही लिख के रखा है कि वो कौन से नंबर्स हैं। तो टोटल 6 नंबर्स हैं और इनके हमको डेसिमल एक्सपांशन करने हैं, ठीक है। तो इसको करने के दो तरीके होते हैं, या तो आप इसको डिवाइड करिए, या तो हमारे पास एक तरीका है कि जो क्यू वाला फॉर्म है हमारा, जो क्यू वाला नंबर होता है, ठीक है, डिनोमिनेटर जो होता है, उसको 2 मतलब 10 के फॉर्म में लेके आए, मतलब 2 के पावर और 5 के फॉर्म में लेके आए और उसको 10 के फॉर्म में लेके आए। तो जितने भी जीरोस आएंगे उतने आप पॉइंट्स बस लेफ्ट साइड राइट साइड में खिसका दीजिएगा, लेफ्ट साइड में खिसका दीजिएगा। तो इसी तरीके से हम सेकंड वाले तरीके से करेंगे, ना कि हम लोग लॉन्ग डिविजन मेथड से करेंगे इसको, ठीक है। तो उससे हमको ईजी भी होगा और हमारा क्वेश्चन बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएंगे, ठीक है। तो सबसे पहला वाला क्वेश्चन हम सॉल्व करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है 13/3125, ठीक है। तो अगर आप इसको डिवाइड करने जाएंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो इससे बेटर है कि आप इसका फैक्टराइज करिए पहले। तो फैक्टराइज करने से आता है ये 13/5 to the power 5। इसको पहले भी हम कर चुके हैं। अब जितने यहाँ पास में 5 to the power 5 है, तो यहाँ पास में मैं क्या लिख देता हूँ, 2 to the power 5, और ऊपर भी डिवाइड कर देता हूँ 2 to the power 5। तो अब इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो मेरी जो वैल्यू आ रही है, ठीक है, अगर मैं इसका मल्टीप्लाई करूंगा तो 13, और ये इसको अगर मैं तोड़ देता हूँ थोड़ा सा, तो ये स्क्वायर के फॉर्म में आ जाएगा और इसको लिख सकता हूँ मैं 10 to the power 5, ठीक है। अगर आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई आता है 416, ठीक है, और नीचे आएगा 10 to the power 5। अब कितने जीरोज हैं, टोटल 5 जीरोज हैं। हमको क्या करना है, 416 और 1 2 3 4 5, और ये पॉइंट लगा दिया, ठीक है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग सेकंड वाला भी करते हैं, तो सेकंड क्वेश्चन भी वैसे ही करेंगे। तो सेकंड क्वेश्चन है 17/8, ठीक है। तो ये आएगा 17/2 to the power 3, ठीक है। तो अब मुझे क्या चाहिए, 5 के पावर भी 3 आएंगे, क्योंकि इससे क्या होगा कि हमारा जो डिनोमिनेटर वो 10 के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। 17 into 125 divided by 10 के पावर 3, जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको आएगा 2125, ठीक है, और ये आया नीचे 10 to the power 3। अब 3 डेसिमल आपको राइट से लेफ्ट की तरफ मूव करना है, तो ये आएगा 2.125। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब इसको करेंगे हम लोग थर्ड क्वेश्चन को। तो थर्ड क्वेश्चन हमारा है 15/1600, ठीक है। तो इसको भी हम करते हैं, तो 15/16 है 16 का होता है 2 to the power 4, और 2 0 है मतलब 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, 15 into, ये तो 10 के फॉर्म में तो मत छूटिए, ठीक है। अब इसको चेंज करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे 5 to the power 4, ठीक है, और यहाँ लिखेंगे 2 के पावर 4, तो पहले से ही तो 5 की पावर 4 बना लेते हैं और 10 का स्क्वायर तो है ही, ठीक है। तो जब आप इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो मल्टीप्लाई आएगा 9375, ठीक है। ये सब मैं पहले से कॉपी में कर लिया हूँ, तो आप इसको जरूर ट्राई करिएगा, क्योंकि प्रैक्टिस से ही आपको ज़्यादा अच्छे से बनेगा, ठीक है। तो ये आपका 4 है, तो सॉरी इसको लिख सकते हैं 10 के पावर में 4, और ये 10 का स्क्वायर, ठीक है। तो 9375 divided by 10 के पावर में 6, अब कितने जीरोज हैं, 6 जीरो हैं। तो क्या करेंगे हम लोग, सिंपली 9375 और 1 और 2 जीरो, और टोटल 6 जीरो हो गए, और ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया, ठीक है। इसी तरीके से अब अगला क्वेश्चन करेंगे, तो टोटल 6 क्वेश्चन है, 3 हो गए हैं, 3 और बचे हुए हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास में जो है वो है 23/2 to the power 3 and 5/2। देखिए, तो अभी ये जो ऊपर के पावर ये मैच नहीं कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा सा मैच करवा देते हैं, तो जिसके कारण हमारा जो कन्वर्जन है वो 10 के फॉर्म में आ जाएगा 5 का स्क्वायर। तो एक और 5 ले लेते हैं ऊपर और नीचे, ठीक है। तो अभी क्लियरली हमारा कन्वर्ट हो चुका है, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग तो इसका मल्टीप्लाई आएगा 115,
ठीक है, और नीचे करेंगे तो यह आएगा सॉरी 2 के पावर 3 एंड 5 की पावर भी 3, तो यह आएगा 115 डिवाइड बाय 10 के पावर में 3। ठीक है, तो अभी कितने जीरोज हो गए, टोटल 3 जीरोज, तो इसको क्या करेंगे 0.115। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। इसी तरीके से पांचवा नंबर करेंगे 6/15। ठीक है, तो इसको पहले हम लोग थोड़ा सा ब्रेक कर लेते हैं, तो ये आएगा 2 × 3 और ये आएगा 3 × 5, तो ये टूट गया। अब यह 2:5 के रेशियो में, अब इसके पास को 10 तो करना ही पड़ेगा, डिवाइड भी कर सकते हैं, तो छोटा सा ही नंबर है वैसे तो, पर हम लोग जो फॉर्म से चल रहे हैं उसी फॉर्म में चलेंगे। तो ये 2 ऊपर की एक और एक नीचे, तो ये आया 4 और ये आया 10, अब ये आया 0.4। इसी तरीके से 6 वाला, ठीक है, 6 वाला है 35 डिवाइड बाय 50। ठीक है, तो 35 बाय डिवाइड 50 क्या होगा हमारा, होगा 35 को वैसे ही रहने दीजिए, 50 है उसको लिखेंगे 5 × 10। अब एक 10 यह है और इसके साथ अगर 2 मल्टीप्लाई कर दूं तो हमारा काम हो जाएगा, तो 2 मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 × 2 × 10 कर लीजिए। ठीक है, तो इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 2 से तो यह आएगा 70 और यह आएगा 10 × 10, टोटल 2 जीरोज हैं, तो 2 जीरोज राइट से लेफ्ट की तरफ खिसका दीजिए, तो ये आ गया आंसर हमारा। ठीक है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, और इसी तरीके से आप डेसिमल एक्सपेंशन करिएगा, आपको बहुत जल्दी बन जाएगा। ठीक है, और आपको तकलीफ भी नहीं होगा, डिवाइड करने में बहुत लंबा प्रोसेस हो जाता है और टाइम वेस्ट हो जाता है। ठीक है, और मैथ्स के पेपर में आप जानते हैं कि जब हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो टाइम बहुत ज़्यादा जरूरी चीज़ है उस टाइम पे, मतलब हमको हमेशा टाइम कम ही पड़ जाता है। ठीक है, तो आप ऐसा करिए कि आपका टाइम भी सेव हो जाए। तो आई होप आपको ये 6 के 6 क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। इसके अलावा अगर इस क्वेश्चन पे कोई डाउट आता है तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछिए, मैं आपकी पूरी कोशिश करूंगा कि आपको और अच्छी तरीके से समझा सकूं। अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो कृपया लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका दिन शुभ रहे, थैंक यू।